आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। नाज़रीन, बिहार की सियासत एक मरतबा फिर गर्मा गई है क्योंकि बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि वो बिहार में NRC लागू नहीं करेंगे। NRC और CAA नीतीश के इख्तदार में साथी जमात BJP का पसंदीदा मुद्दा है। नीतीश का बयान उस वक्त सामने आया है जब BJP ये ऐलान कर चुकी है कि वो मग़रबी बंगाल में NRC लागू करेगी और इसको वो बड़ा इंतखाबी मुद्दा बनाने जा रही है। इसी बीच मग़रबी बंगाल की इंतखाबी तैयारियों के हिसाब से BJP के लिए ये एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि नीतीश कुमार ने ये बयान ऐसे ही नहीं दिया है बल्कि वो BJP के सख्त रवैये से परेशान हैं। असेंबली इंतखाबात में जनता दल यू की सीटें कम हो गई और BJP दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। इसीलिए बिहार हुकूमत में वज़ीर-ए-आला चाहे जनता दल यू के नीतीश कुमार हों लेकिन BJP का रवैया उस बड़े भाई वाला है जो अपनी मर्जी ही चलाता है। दरअसल नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज़ हैं कि BJP ने इसके अरुणाचल असेंबली के अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस बात को लेकर जनता दल यू में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और नीतीश से ये सवाल किया जा रहा है कि BJP उनकी इत्तेहादी पार्टी है या मुखालिफ पार्टी। वाज़ेह है कि जहां नीतीश ने पार्टी का नया सदर बना दिया गया है वहीं बिहार में ये बातें भी खूब जोर शोर से चल रही हैं कि बिहार की हुकूमत जल्द ही गिरने वाली है और तेजस्वी की क़यादत में नई हुकूमत तश्कील होने जा रही है।